सूबे के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश विदेश के उद्यमियों को अपने यहाँ व्यापार करने का न्योता दे रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो मजदूर संगठन की आड़ में उद्योगपतियों से लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं, जिसका खामियाजा राज्य के उद्यमियों को उठाना पड़ रहा है और मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या बन गई है। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो बागमारा से विधायक हैं और आए दिन इन पर रंगदारी और दबंगई का आरोप लगता रहता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। जानकारी के अनुसार जहां कोयले के उठाव पर पहले 650 रुपये रंगदारी दी जाती थी, वहीं अब 1250 रुपये रंगदारी दी जाती है, जिससे परेशान होकर उद्योगियों ने कोयला का उठाव बंद कर दिया है। ज्वाइंट निर्णय हुआ कि बागमारा क्षेत्र में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 पार्टनर, उस कॉलोनी से कोई भी आटो के उद्यमी डेवलपर नहीं है। वहाँ जो रंगदारी के चलते जो 650 रुपये पहले लगता था पट्टन, उसको बढ़ा के 1250 रुपये पट्टन कर दिया। ये वहाँ के विधायक ढुल्लू महतो उनके लोग, तो 1250 रुपया कहने के लिए, लेकिन हम लोगों को उसका कॉस्ट आता है 2000 रुपया पर। वहीं इस मामले पर SP जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। जगहों पर बंदी की गई और मजदूर संगठन के द्वारा जो भी ये बंदी है बताई जा रही है कि बुलाई गई है, इसमें जो भी पॉलिसी मैटर्स है उसको लेकर तो एक सही स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है, परंतु जो पुलिस का रोल है उसमें लॉ एंड ऑर्डर और किसी तरह का वायलेंस जो है वो किसी को करने की अनुमति नहीं है। यदि बंदी के दौरान कोई भी वायलेंस होता है, कोई भी ऐसी कार्रवाई संगठन द्वारा की जाती है जहाँ पे जान माल की या सरकारी प्रॉपर्टी की या प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति होती है, तो जो भी IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई और FIR होता है वो किए जाने का प्रावधान है, वो किया जाएगा और न्याय संगत कार्रवाई जो होगी वो उन पर भी की जाएगी। तो जब तक डेमोक्रेटिक है ये चीज़, जब तक लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग बंदी कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, तब तक ये स्वतंत्र हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन देखना होगा कि आरोपी विधायक पर कब तक कार्रवाई की जाती है या फिर सत्ता के दबाव में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वहीं मजदूरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।